भाग कर खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। जिंदगी भर की जमा पूंजी जोड़कर आदमी अपने लिए एक आशियाना बनाने की कोशिश करता है, आशियाना बनाता है, खरीदता है, लेकिन जब वो आशियाना खरीदने के लिए किसी बिल्डर के पास जाता है तो बिल्डर उसको बाहर से बहुत सब्ज बाग दिखाता है और कोई भी उसको एक फ्लैट बेच देता है। फ्लैट लेने के बाद जब वो आदमी उसमें दाखिल होता है तो पता चलता है बिल्डर ने उसके साथ क्या धोखा किया है। वहाँ की दीवारें कितनी मजबूत हैं, वहाँ जो फर्नीचर लगाया गया वो कितना मजबूत है, खिड़की दरवाजे कितने मजबूत हैं, और जब वो समस्याएं अपनी बिल्डर के सामने रखता है तो बिल्डर सुनने को तैयार नहीं होता है। फिर वो रास्ता करता है अथॉरिटी का, अथॉरिटी जाता है और वहाँ पे अपनी शिकायत रखता है, मैंने एक फ्लैट ख़रीदा है, आपने इस फ्लैट बनाने के लिए इस बिल्डर को अप्रूवल दिया है और आपने इसको पास किया है, तो आपने किस तरीके से किस आधार पर पास कर दिया है, बिल्डिंग जो है अच्छी नहीं है, निर्माण अच्छा नहीं हुआ है, हम लोगों को यहाँ रहते हुए डर लग रहा है। अथॉरिटी के लोग जो है खाना पूर्ति के लिए बिल्डर को कुछ इंस्ट्रक्शन कर देते हैं कि आप बिल्डिंग में निर्माण कराइए नहीं तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। बिल्डर जो है रिटर्न में दे देता है कि हमने निर्माण करा दिया है, वो निर्माण आज तक कहीं नहीं हुआ है। ये हाल है गाज़ियाबाद के विकास प्राधिकरण का, अथॉरिटी पर मैं सवाल खड़े कर रहा हूँ। और दूसरे जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ वो है गाज़ियाबाद के लोनी में DLF अंकुर भैया। DLF ने किसी ज़माने में इस एरिया को डेवलप किया था, बनाया था, लेकिन DLF जो है मशहूर बिल्डर है वो इस इलाके को छोड़ के चले गए। आज यहाँ बहुत सारे बिल्डर पैदा हो गए हैं, वो कोई भी 100-200 गज़ पे एक फ्लैट खड़ा कर देते हैं। हालांकि यहाँ भी एक सवाल है, ये एकलवासी योजना थी जिस पर फ्लैट बनाए ही नहीं जा सकते थे, एक प्लॉट पे एक ही परिवार को रहना था, लेकिन फिर भी ये सब हुआ। हम रेजिडेंट के बीच पहुँचे हैं यहाँ पर ए ब्लॉक में, और उनकी क्या समस्याएँ हैं और क्या अभी तक हुआ और क्या नहीं हुआ और क्यों दिक्कतें आ रही हैं, उस सब पर बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार नाम है मेरा और मैं यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूँ। ये प्रॉब्लम है लगभग एक साल से। बिल्डिंग जो है वो क्या नंबर है बिल्डिंग का? बिल्डिंग का नंबर A6/3, ये DLF अंकुर विहार के ए ब्लॉक में स्थित है, और लगभग 3 साल पहले हम लोगों ने इस फ्लैट का सौदा किया था। और दो कितने टोटल फ्लैट हैं इसमें? टोटल 12 फ्लैट हैं इसमें। अच्छा। और पिछले करीब एक साल से एक साथ एक साइड के 6 फ्लैट्स में प्रॉब्लम है पूरे? हाँ, पिछले एक साल से पूरे जो एक साइड के 6 फ्लैट हैं उन सभी में दरारें आ रही हैं। हम लोगों को पहले लगा कि चलो हो सकता है थोड़ा बहुत हो, लेकिन वो दरारें लगातार बढ़ रही हैं और आर पार हैं और दीवारों से होके बीम में जा रही हैं, बीम से छत में जा रही हैं, इसका मतलब, और कहीं कहीं पर तो काफ़ी मोटी दरारें हो गई हैं, आमने सामने स्पेस दिखा जाता है और एक से दूसरे फ्लैट में भी पार पार देख सकते हैं, इतनी मोटी दरारें हैं यहाँ पर अभी। फिर आप लोगों ने क्या शुरू किया आप लोगों ने उसको ठीक कराने के लिए? इस बारे में सबसे पहले हमने जो हमारी लोकल यहाँ पर RWA है उसके प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा था, उन्होंने बिल्डर से बात करी, बिल्डर ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया, लौटा दिया। फिर जो RWA के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर प्रेम कुमार, वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपने जो लोग तो आए थे साथ में उनके साथ मिलकर देखा कि पूरी बिल्डिंग में काफ़ी दरारें हैं, और उन्होंने फिर लेटर पर यही लिख के दे दिया कि भाई हमने बोला बिल्डर को, बिल्डर नहीं राजी कुछ भी करने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने फिर जो एक रजिस्टर्ड लेटर के जरिए DM गाज़ियाबाद और GDA को इन्फॉर्म करा था और उप जिलाधिकारी लोनी को भी इन्फॉर्म करा था, वहाँ से बिल्डर को इंस्ट्रक्शन आए, तो बिल्डर एक फॉर्मल तौर पे उसने हमें लिख के दिया कि 5 पॉइंट थे कि हम आपके यहाँ ये काम करा देंगे जो दरार की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन 15 दिन का उसने वादा करा था, आज 1 महीना होने को आ गया, बीच में ही उसके बंदे बस खाना पूरी के लिए प्लास्टर हटाकर उसकी जगह दूसरा प्लास्टर चढ़ाकर चले गए, जबकि वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और वहाँ पर अथॉरिटी में और तहसील में उन्होंने बोल दिया कि हमने काम करा दिया है। मैंने तहसील वालों से और GDA वालों से दोनों से अपील करी कि आप कम से कम साइट पर आके देखें तो सही, आप बिल्डर के ब्रह्म वाक्य को ही कैसे ब्रह्म वाक्य मानकर और अपनी रिपोर्ट लगा सकते हैं, आपको कम से कम फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए, लेकिन वो लोग अभी तक फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं आए यहाँ पर। वो लोग अभी तक फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं आए, क्या दिक्कतें हैं बिल्डिंग में, जैसे दरारें आ गई हैं उससे दिक्कत क्या खड़ी होगी सबसे ज़्यादा? दिक्कत ये है कि हो सकता है आने वाले टाइम में और बढ़ेगी और गिरने के भी चांसेज हैं, तो जब तक उसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं होगा तब तक होगा नहीं, और हमने हर जगह कंप्लेन किया लेकिन बिल्डर इसके लिए कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि इसके लिए बिल्डर ही जिम्मेदार है पूरे तरीके से। कौन जिम्मेदार? बिल्डर ही जिम्मेदार है, बिल्डर जो कभी प्रॉपर्टी लिए 3 साल भी नहीं हुए हैं और ये सिचुएशन है, यानी क्वालिटी बिल्कुल मेंटेन नहीं की गई है, क्वालिटी है ही नहीं इनके प्रोडक्ट में। और जो अथॉरिटी है डेवलपमेंट अथॉरिटी गाज़ियाबाद, उसकी भी तो कुछ रिस्पांसिबिलिटी होगी ना, वो भी तो बिल्डिंग को देता होगा, तभी तो अप्रूवल दे रहे हैं वो लोग। बिना नक्शे के उन्होंने कैसे अप्रूव कर दिया, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। यहाँ पे अधिकतर बिल्डरों के पास नक्शा नहीं है यहाँ का, और हमारी वाली बिल्डिंग का तो खास करके नक्शा नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने अप्रूव कैसे कर दिया और उसके बाद बिल्डर ने उसे पास करा के यहाँ पे बिल्डिंग बनाई, बेची और आराम से, कोई भी बिल्डर है चाहे आदर्श वाला ही है, बेचने के बाद क्या किया उसने, वो यहाँ तो रहता नहीं है, जो उसे यहाँ के बारे में पता चले उसने बेच दिया, कहानी खत्म। अब
ऐसी दरारें आई हुई हैं कि बिल्कुल आर पार है और वो कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। महिलाएं हैं जो यहाँ रहती हैं, छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ रह रहे हैं, आप समझ सकते हैं कैसे असुरक्षा का भावना रहती हो। क्या दिक्कतें होती हैं आप लोगों को और उससे क्या दिक्कतें हो रही हैं? हमें तो डर लगता है कि कभी भूकंप आ गया तेज तो क्या होगा, तो बिल्डिंग ही गिर जाएगी। अगर कभी भूकंप तेज आया तो उससे दिक्कत, और क्या दिक्कतें आ रही हैं उससे? और दिक्कत यही है कि सिर्फ कर दें ये लोग हमारा सही से तो हो जाए, ये तो बहुत ज़्यादा दरार बढ़े जा रही है, ये तो घटी नहीं रही है। तो दरारें बढ़ती जा रही हैं और जो हैं वो लोग कुछ कर नहीं रहे। अभी आप लोग क्या करने वाले हो? ऐसी क्या और जगह भी दिक्कतें हैं? हाँ, और जगह भी दिक्कतें हैं, और यहाँ पर हमारे यहाँ एक A8/2 है, वहाँ पर भी काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है, और उसके तो पिलर भी लगभग एक आध बार टूट भी चुका है, एक आध पिलर, और पूरी बिल्डिंग में वहाँ पर काफ़ी खतरनाक दरारें हैं। जहाँ के काफ़ी बुजुर्ग निवासी हैं दुखन राम जी, उन्होंने भी इस केस में अपने केस में कंप्लेंट करी थी बिल्डर के खिलाफ। ये अलग बात है कि बिल्डर ने अपने धनबल के साथ फिर उन पर ही उल्टे केस करा दिया। एक 60 साल के रिटायर्ड बंदे के ऊपर उसने रेप जैसा आरोप लगाया, जो कि अब खैर अदालत में जवाब नहीं देते बन रहा उन लोगों से, झूठा क्योंकि आरोप था वो। तो यहाँ पर लोग तो ये हुआ आपकी बिल्डिंग, एक 8/2 हो गई आपकी, और इसके अलावा और भी कोई बिल्डिंग है? हाँ, इसके अलावा एक A7 लेन में भी एक अमल रॉय करके एक नागरिक हैं, उन्होंने मुझे सूचित किया है कि उनके यहाँ, और मैं गया भी था देखने, उनके यहाँ भी काफ़ी दरारें हैं जो ग्राउंड से लेकर ऊपर टॉप फ्लोर तक लगातार बढ़ती जा रही हैं। आप लगातार तस्वीरों में देख रहे होंगे, साइड में जो विंडो चल रहा है उसमें हम दिखा रहे हैं कि दरारें किस तरीके की हैं, दरवाजे कैसे मुड़ गए हैं जो बंद नहीं हो पा रहे हैं, और उसका कोई सोल्यूशन होता दिख नहीं रहा है। इनकी क्या गलती है? सवाल यहाँ ये पैदा होता है, जो पैसा आपने मांगा बिल्डर ने वो पैसा इन्होंने दिया, और अब इनकी क्या गलती है? इनको वो सुविधा क्यों नहीं दी जा रही? इनके मकान को रिपेयर क्यों नहीं कराया जा रहा है? और सवाल उस अथॉरिटी पर भी है जिसकी जिम्मेदारी है इन बिल्डरों की नकेल कसने की, वो पता नहीं कहाँ गुम है। बिल्डर उसको जवाब दे देता है कि हमने ठीक करा दिया, और वो संतुष्ट होकर बैठ जाती है, फिजिकल वेरिफिकेशन मौके पर आकर नहीं करती है। कैमरामैन साहिल मलिक के साथ मैं अक्रम रईस खान, धाकड़ खबर के लिए।